जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू आजमी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालुका प्रेसिडेंट अंधेरी पश्चिम विधानसभा। मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हैं, एक मशहूर एक्टर, बॉलीवुड में अपनी धाक जमाने वाले एक्टर जिसका नाम अमिताभ बच्चन है। जैसा कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हुआ है, अभिषेक बच्चन को हुआ है, पूरी उनकी फैमिली को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, जो अब हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसा कि आप जानते हैं, जब कोरोना की मार हिंदुस्तान में बढ़ रही थी, कोरोना हमारे देश में बढ़ चुका था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने ये कहा था लोगों से कि ताली और थाली दोनों ठोके, तो उनमें से एक हमारे अमिताभ बच्चन साहब भी थे, उनकी पूरी फैमिली थी ताली और थाली ठोकने में। मुझे समझ में नहीं आया कि ताली और थाली और सीटी बजाने से, सब ठोकने से कोरोना को भगा रहे थे, कोरोना को दावत दे रहे थे। पूरे लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकले, इनको पॉजिटिव हो गया, तो कहीं ना कहीं ये ताली थाली ठोक के कोरोना को बुला के घर में दावत दे दिए और अब वो उनके चपेट में आ गए। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अब इनको कौन समझाए कि ये हॉस्पिटल में कैसे ठीक होंगे जब तक ये थाली और थाली नहीं ठोकेंगे। इनको मालूम है अमिताभ बच्चन को कि हम जब तक हॉस्पिटल नहीं जाएंगे ठीक नहीं होंगे, फिर भी इन्होंने ताली और थाली ठोकी। इनके ऊपर अनभक्ति का जुनून सवार था, अब इनको समझ में आ गया कि ताली और थाली ठोकने से कोई बीमारी नहीं भागती, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल का रुख किया। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अभी भी अपनी अनभक्ति से बाहर निकले और देखे कि आपको कोरोना वायरस हुआ तो पूरी मीडिया दिखाने लगी, यहां कई लाख लोग मर गए तो मीडिया उस पर चुप्पी साधी थी, बस ये बता रही कि कोरोना है, घर से मत निकलो, खतरा है। आज आपके लिए दुआएं हो रही है। अगर वो जो दुआ करने वाले लोग अगर आज थाली और थाली ठोकेंगे तो आप बच जाएंगे। शुक्र करो कि ये जो आपके हक के लिए दुआ कर रहे हैं, आपके बचने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपकी तरह बेवकूफ नहीं है, वरना वो भी ताली और थाली ठोकते हुए नजर आते। तो मैं भगवान से इस वर्ष यही प्रार्थना करूंगा कि मशहूर एक्टर बिग बी अमिताभ बच्चन साहब को और उनकी फैमिली को जल्द से जल्द इस बीमारी से शिफा दे और उन्हें तंदुरुस्ती दे, और साथ में ये भी ईश्वर से दुआ करूंगा कि उनको थोड़ा ज्ञान दे और अनभक्ति से बचे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।